हेलो स्टूडेंट, डिमांड के लेक्चर नंबर 9 में आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन पाया जाता है, और इस रिलेशन को पढ़ने के साथ साथ हम नॉर्मल गुड्स और इन्फेरियर गुड्स की बात करेंगे। इन्फेरियर गुड्स को हम गिफिन गुड्स भी कहते हैं, गिफिन गुड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम और डिमांड की। तो आप सबको पता है कि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु की अगर जो प्राइस होता है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर प्राइस में अगर वृद्धि हो, इंक्रीज इन प्राइस, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, वो कम हो जाता है। अगर प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो है प्राइस की बात नहीं करेंगे, हम मानेंगे प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट मानते हैं। अगर हम लेते हैं यहाँ पर इनकम की बात करेंगे, इनकम और डिमांड की दो चीज़ों की बात करेंगे, तो ये समझने की ज़रूरत है अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम अगर बढ़ जाए, अगर इनकम बढ़ जाए, क्योंकि इनकम बढ़ने से उसके पास पैसा ज़्यादा आएगा और परचेजिंग पावर बढ़ेगी, देन उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। और उसके उल्टा अगर किसी व्यक्ति की इनकम अगर घट जाए तो वस्तु की मांग भी घट जाएगी। यानी कि यहाँ पर इनकम एंड डिमांड में जो है सीधा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन होता है। और पॉजिटिव रिलेशन होने के कारण यहाँ इनकम और क्वांटिटी, डिमांड का जो कर्व बनता है वो ऊपर की ओर बनता है, ऊपर के उठता हुआ इस तरह से बनता है, क्योंकि दोनों में इनकम ज़्यादा, जिस हिसाब से इनकम बढ़ती चली जाएगी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी वृद्धि आती चली जाएगी। अब इनकम के हिसाब से, क्योंकि लोगों की इनकम से हिसाब से वो जो वस्तुओं को खरीदता है, तो ऐसे में जो गुड्स है, इनकम के हिसाब से अगर बात करें, गुड्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है नॉर्मल गुड्स और दूसरा है इन्फेरियर गुड्स। हम सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड्स को। नॉर्मल गुड्स जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं यानी कि नॉर्मल गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि इनकम में अगर वृद्धि होती है, इनकम अगर वृद्धि हो तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। तो ऐसी वस्तु को हम, ऐसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहते हैं। अगर नॉर्मल गुड्स में अगर दो, क्योंकि नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स में लोगों की इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो ऐसे में अगर यूँ कहें, अगर इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम में वृद्धि हो, लोगों की इनकम अगर बढ़ जाए, तो इनकम बढ़ने से, जैसे गुड पहले यहाँ था, तो इनकम के बढ़ने से गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, आगे की ओर हो जाता है। और इसका उल्टा अगर इनकम में अगर डिक्रीज हो, डिक्रीज इन इनकम, इनकम अगर कम हो तो जितना भी वस्तु की डिमांड था, डिमांड घट के कहाँ जाएगा, नीचे की ओर आ जाता है। यानी कि डिमांड वर्क जो है ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है, इस तरह से नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर लोगों की परचेसिंग पावर कम हुई है, तो वस्तुओं को पहले की तुलना में वो अब कम खरीदेगा। जबकि इनकम बढ़ने पर उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो पहले की तुलना में वो जो है परचेज ज़्यादा करेगा, डिमांड ज़्यादा करेगा। तो ये नॉर्मल गुड्स के संदर्भ में ऐसा होता है, जहाँ पर वस्तुओं की मांग में और आय में बराबर संबंध होता है, एक जैसा संबंध होता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, इन्फेरियर गुड्स की बात करें, इन्फेरियर गुड्स को हिंदी में बोलते हैं घटिया वस्तुएं। और इसके बारे में बताया था प्रोफेसर गिफिन ने, इसको इसलिए इसको गिफिन गुड्स भी कहते हैं। ऐसी वस्तुएं, ये गिफिन गुड्स ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जहाँ पर लोग जिसको निम्न दृष्टि से देखते हैं, हेट की दृष्टि से देखते हैं, और यहाँ पर लोगों की अगर इनकम बढ़े,
अगर इनकम इंक्रीज हो, हर किसी के पास पैसा आ जाता है, वो घटिया वस्तु नहीं खरीदना चाहता है, तो इनकम बढ़ने पर तो घटिया वस्तुओं की डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर इनकम में और घटिया वस्तु की डिमांड में कैसा संबंध होता है, नेगेटिव संबंध होता है, यानी कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ इन्फीरियर गुड्स की डिमांड भी घटती चली जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें इन्फीरियर गुड्स की, अगर इनकम बढ़े, इनकम इंक्रीज्ड, अगर इनकम बढ़े तो उसकी जो डिमांड पहले की तुलना में जितनी है वो घट के कहाँ जाएगी, नीचे के, जो मान लो डिमांड पहले यहाँ है, अब वो घट के नीचे की, लोग घटिया वस्तु नहीं खरीदेंगे। इसके उल्टा अगर लोगों की इनकम अगर डिक्रीज हो, डिक्रीज इनकम, तो पहले जितनी डिमांड थी, डिमांड जो है बढ़ के ऊपर की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो वो कम पैसे यानी कि सस्ती चीज़ों को खरीदने लगेगा, तो सस्ती चीज़ों की डिमांड जो है पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। तो ये होता है इनकम के रिलेशन डिमांड में, वस्तुओं के हिसाब से करता है, वस्तु अगर घटिया है, इनकम बढ़ने के साथ घटिया वस्तु की डिमांड घट जाएगी, जबकि इनकम घटने के साथ साथ घटिया वस्तु की डिमांड भी बढ़ जाती है।